हेलो एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट एमबीए कॉलेजेस इन महाराष्ट्र विद हाई आरओआई। वी विल नॉट वेस्ट टाइम बट मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो इफ इट इज रियली यूजफुल। आगे बढ़ते हैं कॉलेजेस के नाम, उनकी फी एंड मीडियम सैलरी। मैंने एवरेज सैलरी को मद्देनजर नहीं किया है, आई एम मोर इंटरेस्टेड इन मीडियम सैलरी, वो आगे जाके आपको पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं टिस HRM LR से। फी कितनी है? 2.2 लाख। एंड मीडियम सैलरी कितनी है? मोर देन 22 लाख। देन एक ऐसा प्रोग्राम टिस ODCL जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, 8 लाख के आसपास फी है एंड 24 लाख की मीडियम सैलरी है। एक ही कॉन है दोनों इंस्टीट्यूट्स में कि इंटेक बहुत ही लिमिटेड है, दैट इज द ओनली कॉन, बाकी तो सब बल्ले बल्ले है। एंड इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर कोर्स तो आप स्किप कर सकते हो। ये मैंने कोई रैंकिंग के हिसाब से अरेंज नहीं किया है। देन कम्स SPGN, 19 लाख के आसपास फी है एंड जो मीडियम सैलरी ना भाई 30 लाख के आसपास है। ये जो पर्टिकुलर बी स्कूल है ये अलग लेवल का प्रोग्रेस कर रहा है एंड इनकी जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है वो जल्दी भी आ जाती है। इनटेक भी लिमिटेड है अंडर 300, एंड अंडर 300 के लिए ये जो मीडियम सैलरी ना भाई बहुत ही ज़्यादा सही है। हाँ, इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेटली ऑन द हायर साइड, 19 लाख, बट देन यू आर गेटिंग मोर देन वॉट यू हैव इन्वेस्टेड, करेक्ट। GBMS मुंबई, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता है, 6 लाख की फी है। एंड गाइज, ये जो फी है ये 2 साल की है, ओके। मीडियम सैलरी कितनी है JBIMS की? 26.48। इनटेक 150 से भी कम। SJSOM IIT बॉम्बे कैसे भूल सकते हैं, 10.62 के आसपास फी है एंड मीडियम सैलरी देखो 25.8, 25.8 LPA। अगेन लिमिटेड इनटेक, ऐसा नहीं कि 500, 600, 700 का इनटेक है ये कॉलेजेस का। JBIMS MSC फाइनेंस फी 6 लाख एंड मीडियम सैलरी कितनी है? 18 लाख के। देन JBIMS MHRD 7 लाख की फी है, 14.8 LPA का मीडियम सैलरी है एंड मोर ओवर यहाँ पे भी वही कौन आ जाता है कि भाई इनटेक लिमिटेड है, तो ऐसे केस में कॉम्पिटिशन बहुत ही तगड़ा होता है। एंड JBIMS MHRD एक ऐसा प्रोग्राम बन जाता है ओवरऑल इंडिया में जहाँ पे आपको एंट्रेंस एग्जाम की जरूरत नहीं है, एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपको वो जाननी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सिडनम मुंबई, 1.5 लाख की फी एंड 13.20 लाख का मीडियम सैलरी, अगेन वेरी गुड। नीटी मुंबई की बात कर लेते हैं, फी तो बाद में बढ़ी है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पहले फी भी कम हुआ करती थी, अभी 15 लाख के आसपास फी है एंड जो मीडियम सैलरी वो 18 के आसपास जाती है। हाँ, यहाँ पे इनटेक 300 से ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। मोर ओवर दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कंपनीज फ्रॉम अदर डोमेन्स ऑल्सो कम टू दिस इंस्टीट्यूट एंड आपको बाकी रोल्स भी मिलते हैं, बट अगर आपका कोर इंटरेस्ट ऑप्स एंड SCM में है तो आप डेफिनेटली नीटी को टारगेट कर सकते हो। अगेन और एक इंस्टीट्यूट दैट इज IIT बॉम्बे। बात करते हैं नेक्स्ट इन द लिस्ट, कुंभा पुणे, 1.5 की फी है एंड 7 की एवरेज सैलरी है। अभी आप सोचोगे कि NMIMS मुंबई यहाँ पे क्यों नहीं है लिस्ट में, 20 के ऊपर की फी है, 20 लाख के ऊपर एंड मीडियम सैलरी का नंबर मेंशन नहीं है, एवरेज सैलरी 17-18 के आसपास एंड मोर ओवर इनटेक बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए मैंने NMIMS को स्किप कर दिया लिस्ट से। तो ये सब कॉलेजेस है महाराष्ट्र में जहाँ पे जो ROI है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है एंड मोर ओवर आप ROI को सिर्फ एवरेज सैलरी में नहीं माप सकते कि आपको कितना मिल रहा है पर एनम, है ना, कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं, बट ये जो दो स्लाइड्स में जो कॉलेजेस है डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग है। जो कंपटीशन है वो भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अगर और भी इंफॉर्मेशन चाहिए इन कॉलेजेस की तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स छोड़ देता हूँ, जो डेडिकेटेड लिंक्स है जहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन की है वो आप चेक कर सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड एंड ऑलवेज कीप दैट स्माइल अप।